एक जंगल था। उस जंगल में एक सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बीवी थी और प्यारे दो बच्चे। उनका खुशहाल परिवार था। चलता हूँ, मजे करना। मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आऊंगा। बाय पापा। सिंह खाने की तलाश में निकला। जब वो झाड़ियों में जाकर देखता है तो गीदड़ का बच्चा मिलता है। गीदड़ का बच्चा डरा हुआ था और आंखें बंद करके कांप रहा था। सिंह उस गीदड़ के बच्चे को मुंह में उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। तो अब हमारे तीन बच्चे हैं। अब ये साथ में रहेंगे और खेल कूद करेंगे। जब सिंह और उसकी बीवी बाहर गए थे तब बच्चे गुफा के बाहर खेल रहे थे। तभी वहां से एक हाथी गुजरा। हाथी को देखकर सिंह के बच्चे उसकी ओर आक्रामक हो गए। पर वो गीदड़ का बच्चा डर गया और घबरा गया। वो गुफा के अंदर भागा। सिंह के बच्चे बहुत ही साहसी थे। वो तब तक हाथी को गुर्राते रहे जब तक वो वहां से भाग नहीं गया। जब हाथी वहां से भाग गया तो गीदड़ का बच्चा अपना सर झुकाकर गुफा से बाहर निकला। बाद में जब सब खाना खाने बैठते हैं, मामा पता है आज गीदड़ का बच्चा हाथी देखकर गुफा में भाग गया। हम दोनों ने हाथी को डराकर भगा दिया पर गीदड़ का बच्चा डर गया। गीदड़ का बच्चा बुरा मान गया और रोने लग गया। मैं अलग दिखता हूँ और मैं अलग से हरकतें भी करता हूँ। मुझे अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। घबराओ मत, हम तुम्हारे परिवार को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन सुबह सिंह का परिवार और गीदड़ का बच्चा उसके परिवार को ढूंढने निकल पड़े। मिल गए। वो रही मेरी माँ और वो रहे मेरे पापा और वो रहा मेरा पूरा परिवार। सिंह का परिवार कुछ दूर रुक गया और गीदड़ को उसके परिवार के पास लौट जाने कहा। गीदड़ की माँ उस पर प्यार जता रही थी और वो बच्चा सभी गीदड़ों के साथ अपने शरीर को घिसने लगा। इस तरह वो अपना प्रेम और स्नेह जताते हैं। अपनों के बिना जीवन अधूरा होता है।